अगर आप भी हो जियो 5G के यूजर और आपका भी डाटा 5G से 4G पर बार बार मूव हो जाता है और कॉल करते टाइम तो 5G बिल्कुल भी नहीं चलता है, 4G पर ही स्विच रहता है, तो आज इस वीडियो में इसका ही सलूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, जब भी हम 5G नेटवर्क से किसी को भी कॉल करते हैं तो वो 4G पर स्विच होकर ही क्यों लगता है। तो अभी इंडिया में 5G स्टेबल ना होने के कारण जियो कंपनी ने कुछ ऐसा नियम लगा रखा है कि जब भी आप 5G नेटवर्क से किसी को भी कॉल करेंगे तो वो 4G पर स्विच होकर ही लगेगा। तो इस वीडियो में जो सोल्यूशन आपको बताया गया है वो सोल्यूशन फॉलो करने के बाद आपका कॉलिंग करते हुए भी ऑल टाइम 5G रहेगा और स्पीड भी पूरी 5G वाली मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूं और इस फ़ोन में मैंने नेट मॉन्स्टर ऐप को ओपन करके रखा हुआ है जो बैंड को शो करने के लिए होता है। तो इसमें जियो 5G का 3500 बैंड अभी शो कर रहा है और अभी इसमें मैंने ना कोई फोर्स 5G किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट पर सेट है और कभी कभी 5G आ रहा है और कभी 4G पर स्विच हो रहा है। तो चलिए पहले इस पर स्पीड टेस्ट करते हैं कि कितना स्पीड आता है। ओकला ऐप ओपन करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं तो ये कंटिन्यू हो रहा है। चलिए स्पीड को चेक करते हैं विदाउट एनी फोर्स के, तो ये देख सकते हैं तकरीबन 500-600 अब जा रहा है। तो अभी स्पीड काफ़ी सही मिल रहा है, लेकिन क्या है ना कि अभी जैसे ही मैं कोई भी कॉल करूंगा वो तो वो 4G पर ही मूव हो जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब कॉल करके देखते हैं। ये गया, मैं 198 पर कॉल लगा दिया, देखिए, और नेट मॉन्स्टर में गया, देख सकते हैं अभी ये 4G पर स्विच हो जाएगा। देख सकते हैं कि ऐसा ही कुछ है, 4G पर स्विच हो गया बट जो नेटवर्क बार में है वो 5G ही लिखा आ रहा है, ये बग है। तो ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिक उस पर भी 4G आ जाएगा, लेकिन ये 4G ऑलरेडी हो चुका है तो अभी जो स्पीड आएगा वो काफ़ी ख़राब आएगा, मतलब 4G का स्पीड तो आपको पता ही होगा। तो इस वीडियो में हम इसका ही सोल्यूशन करेंगे कि कॉल करने पर भी आपका डाटा जो है ना 5G पर ही रहेगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो ऑलरेडी नेट मॉन्स्टर ऐप से या फिर 5G ओनली ऐप से हो जाता है NR ओनली करके, तो इसमें कुछ और बेनिफिट्स हैं, मैं उसका आगे बात करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही कॉल को कट किया तो फिर से ये जियो 5G अपना आ रहा है 3500। तो ऐसा कुछ सीन है सभी के फ़ोन में अभी के टाइम पर, क्योंकि कंपनी ने अलाउ नहीं कर रखा है, जब तक कि हम उसको फोर्स नहीं करते हैं तब तक कि वो VoNR काम नहीं करता है। तो चलिए बात करते हैं कि सेटिंग को हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो डायलर होता है उसको ओपन कर लेना है और उसमें डायल करना है *#9434#। वो डायल करने पे आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा, तो आपको ऑथ टोकन पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर IMEI और स्टैम्प शो होगा और नीचे टोकन को इंटर करने का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर टोकन को इंटर करना है और डिक्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा और डिक्रिप्शन सक्सेसफुल लिखा हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में और अबाउट फ़ोन में जाना है और वहाँ पर वर्जन में जाना है और वहाँ पर बिल्ड नंबर होगा, उस पर 7 टाइम लगातार टैप करते रहना है जिससे कि डेवलपर ऑप्शन ऑन हो। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको फिर से डायलर में जाना है और टाइप करना है *#36446337#। ये कोड जैसा ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर इंजीनियर मोड का कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो इसमें आपको इंजीनियर नेटवर्क जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपको आराम से ऐसा इंटरफेस खुलेगा और नीचे यहाँ पर रेड मोड दिखाई देगा, RAT मोड, मतलब रेड मोड, तो उस पर हमको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और NR ओनली एक ऑप्शन, जो पहले तो आपको जो भी सिम रहेगा उसको सिलेक्ट करना रहेगा, जिस भी सिम में जियो 5G का सिम लगा हुआ रहेगा उसको, सिम 1 में है तो सिम 1 को सिलेक्ट करना रहेगा, सिम 2 में है तो सिम 2 को सिलेक्ट करना रहेगा। सिम को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा NR ओनली करके, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और हम इंजीनियर मोड को नीचे देख सकते हैं कि इसलिए ओपन किए हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक फोर्स सेट और एक नॉर्मल सेट। तो जो भी हम ऐप से करते हैं 5G ओनली ऐप या फिर कोई ऐसे ऐप,
तो उसमें क्या होता है ना कि नॉर्मल ही सेट हो पाता है, जिससे कि हम जब भी एक नंबर से दो नंबर में डाटा को मूव करते हैं तो वो फिर से डिफॉल्ट हो जाता है, या फिर रीस्टार्ट करते हैं, या फिर एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। और इसमें दोनों मोड दिया हुआ है, फोर्स सेट भी कर सकते हैं, नॉर्मल सेट भी कर सकते हैं। तो हम इसको इसमें जो है ना फोर्स सेट करेंगे। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको मतलब ऑल टाइम 5G रहेगा। अगर आप विलेज एरिया में रहते हो जहाँ की 4G है और 5G दोनों है, 5G कहीं कहीं पर है, 4G ज़्यादातर जगहों पर है, तो उसका भी इसमें सोल्यूशन एक सिंपल सा है, मैं बता दूंगा आपको। तो फोर्स सेट पर क्लिक करना है। जैसे ही फोर्स सेट आप पर क्लिक करेंगे आप, तो ये 5G हो जाएगा अगर आपके एरिया में 5G चल रहा है। तो चलिए ये 5G हो चुका है और मैं अभी कॉल करके देखता हूँ कि स्पीड कितना मिलता है और 5G से 4G पर स्विच होता है या नहीं। देख सकते हैं कि जियो 5G का 3500 बैंड शो हो रहा है। तो अभी मैं गया डायलर में और 198 पर फिर से दोबारा से कॉल करते हैं। कॉल कनेक्ट हो गया और अभी भी देख सकते हैं कि ये पहले जैसे 5G से 4G पर स्विच नहीं हुआ। अभी स्पीड इसका चेक करते हैं कि कितना आता है। तो कॉल लगा हुआ है और अभी टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं कि अभी 200 ड्यूरिंग कॉल, अभी कॉल चल रहा है और ये स्पीड जो है इसका 272-270 ऐसे 270-280 ऐसे करके जा रहा है, 269 आया है। और इस पर अपलोड स्पीड भी काफ़ी सही है, 36 MB। और इस टेस्ट को मैं अपने विलेज के एरिया में कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं कैमरा के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप सिटी में करेंगे तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, लेकिन स्पीड आपको 5G वाली ही मिलेगी। एक बार और मैं कॉल अभी चल ही रहा है और स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ फिर से। तो ये स्पीड जो है ना उसी के आसपास हमको मिल रहा है, ये भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 4G से तो कई गुना बेटर ही है। अभी बात कर लेते हैं कि आप ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पर 5G का कवरेज नहीं है, 4G का कवरेज है, तो वहाँ पर क्या करना रहेगा कि आपको सेटिंग को ओपन करना रहेगा और उसके बाद मोबाइल नेटवर्क में जाना रहेगा और जिस भी सिम कार्ड में आपने फोर्स किया होगा उसको सिलेक्ट करना रहेगा और प्रेफर नेटवर्क टाइप में जाकर दोनों ऑप्शन खाली होगा आपका 5G 4G 3G 2G ऑटो और 4G 3G 2G ऑटो, ये दोनों जो है ना खाली होगा। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। बस हो गया, आपका फिर से डिफॉल्ट हो गया और मेरा 4G का नेटवर्क भी आ चुका है। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट दोबारा सेट कर सकते हैं और अगर आपके फ़ोन में VoNR नहीं रहा है तो उसको ऑन भी कर सकते हैं इंजीनियर के माध्यम से। Thank you.